स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। और आज हम पढ़ने वाले मैथ क्लास में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चला था। फर्स्ट का हमारा क्या चल रही है, एक्सरसाइज 1.6 चल रही है। तो 1.6 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी है। इसमें सिर्फ आपको क्या बताने हैं, आपका एक सिंपल सा कुछ टर्म होते हैं, उस टर्म में आपको बताना है कि अगर आपके पास में कोई एक, अगर हम बात करें किसी एक ग्रुप की, अगर हम ग्रुप की बात करें, एक ग्रुप में टोटल मेंबर जो हैं अगर वो 38 है, 38 क्या है इसमें आपके टोटल मेंबर 38 है, ठीक है। जैसे आपको ये पहला वाला क्वेश्चन ही है कि x एंड y आर द टू सेट विद सच दैट कि एन एक्स जो 17 है, यानी कि एन एक्स के जो मेंबर है वो 17 है, एन वाई जो है यानी वाई के मेंबर 23 है, तो एन एक्स यूनियन वाई जो है वो 38 है, यानी कि टोटल मेंबर जो है वो 38 है। तो आपको बताना है कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यानी कि दोनों में कॉमन मेंबर कितने होंगे, आपको कॉमन मेंबर बताने हैं। तो इसका हमारे पास बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला होता है, क्या है, एन ए यूनियन बी, यहाँ पे हमारा ये एक्स वाई है, ए और बी जो है वो एक्स वाई है, वो कितना आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी, और क्या आ जाएगा आपका माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि इनमें कॉमन क्या है, हमें इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना है। तो इसको हम एक तरफ कर लें, तो एन ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन बी, ठीक, माइनस आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एन ए प्लस एन बी आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, आपका एन और एन बी कितना है, आपका वो है 17 प्लस 23 और माइनस ये वाला कितना है आपका, ये कितना आपका 38, तो कितना आ जाएगा आपका 40 माइनस 38, यानी कि कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है बच्चों। बहुत इजी क्वेश्चन था, आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है, जल्दी से करते हैं इसको। तो इसमें सिर्फ आपको क्या है, ये आपका जो फॉर्मूला मैंने अभी बताया आपको, ये एन इंटरसेक्शन वाला, ये ए एन इंटरसेक्शन ए, एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, मैं थर्ड क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूं, तो आप अपनी एनसीईआरटी की इस एक्सरसाइज को 1.6 को निकाल लेना, उसको फिर रेफर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, यानी कि टोटल जो आपका पीपल है वो कितने हैं, वो 400 हैं, कितने हैं वो 400 हैं वहां पे, और आपका एन ए जो है वो कितना है आपका 250 है, मतलब 250 लोग एक तरह के होंगे, और जो आपका एन बी है वो कितना है आपका, वो 200 है। अब वो बता रहा है कि वहां पे कॉमन कितने होंगे, हाउ मेनी पीपल स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कितने लोग जो है आपका वो हिंदी और इंग्लिश दोनों को बोल पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला भी हमारा लग जाएगा, इन दोनों को सम किया हमने, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए यूनियन बी, बिल्कुल सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ गया आपका। तो कितना आ गया आपका 450 माइनस 400, तो कितना आ गया आपका 50 आ गया। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपको इंटरसेक्शन निकालना, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट वाले में किया था, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला था, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, तो x के पास कितने आपके वो कितने 40 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपका जो y है और x यूनियन y जो है, x यूनियन y कितने आपका वो 60 है, कितना है वो 60 है, एंड x इंटरसेक्शन y जो है वो आपका कितना है, वो आपका 10 है। हाउ मेनी एलिमेंट डज वाई है, अब बताना वाई के कितने होंगे, तो सिंपल सा आपका यूनियन हो गया आपके पास, इंटरसेक्शन हो गया आपके पास, सिर्फ वाई निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो देखो सिंपल फॉर्मूला है, कुछ नई चीज नहीं करनी है, सिर्फ हमें एन वाई निकालना है, एन वाई को इस तरफ कर लो, बाकी सब को इस तरफ ले जाओ। एन वाई कितना हो जाएगा आपका, एक्स यू कितना है आपका, ये यूनियन 60 है, माइनस ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस हो जाएगा, कितना होगा आपका 40, और ये प्लस हो गया आपका कितना, ये आपका 10, तो 70 माइनस 30 कितना हो जाएगा आपका, 70 माइनस ये कितना है, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 30 आ जाएगा। सिंपल था, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है बच्चों, समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, अगर आप उसको ध्यान से देखो तो उसमें आपका n जो है a यूनियन b दे रखा है आपका 65, ठीक है, n a दे रखा है आपको कितना
40 एंड बी दे रखा है आपको कितना 10, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, एंड बी निकालना है, क्या निकालना है आपको, एंड बी ये दे रखा है आपको ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जो क्वेश्चन पढ़ लेना वो कुछ ऐसा क्वेश्चन है कॉफी वाला और टी वाला, क्योंकि टी वाले इतने मेंबर है और कॉफी वाले इतने मेंबर है, दोनों के जो टोटल मिला के वो पी सकते हैं वो इतना पी सकते हैं, है ना, जो उनका यूनियन है वो टोटल मिला के इतने होंगे। और एनी मतलब कि जैसे आपका लेट सपोज चाय वाले इतने हैं, कॉफी वाले आपका दोनों पीने वाले वो इतने हैं। तो आप पहले क्वेश्चन को रेफर कर लेना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आ जाएंगी। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, एन बी निकालना है, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूले से अगर हम एन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 65 प्लस 10 माइनस 40, तो कितना आ जाएगा आपका 75 माइनस 40 यानी कितना आएगा 35 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है यहाँ पे कि भाई कितने लोग सिर्फ ओनली वो पिएंगे यहाँ पे ना, ओनली टी पिएंगे, तो वो आ जाएगा आपका टी माइनस सी, इसका फॉर्मूला क्या आता है आपका एन टी माइनस क्या जाएगा आपका एन टी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यानी कि एन टी कितना आपका 35 और ये कितना आपका 10, तो सिर्फ चाय पीने वाले ओनली चाय पीने वाले कितने बच्चे आ जाएंगे वहां पे 25, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन में बहुत इजी था, बस इसमें ये वाला पार्ट हमने ऐड कर दिया कि अगर हमें सिर्फ ओनली निकाल रहे हैं कि ओनली टी वाले कितने जाएंगे आपका, हमने इसको माइनस कर दिया, सिर्फ टी के टर्म्स इसमें आएंगे, सी वाले नहीं आएंगे, है ना, बहुत सिंपल सा था। तो टी माइनस के अंदर क्या होगा आपका एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी आ गया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 70 हमारा हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि हमारी छोटी एक्सरसाइज है, इसमें कह रहा है कमेटी के अंदर 50 लोग जो है वो सिर्फ फ्रेंच बोल पाते हैं, तो हमने एन एफ मान ली कितने 50 मान लिया, ठीक है। 50 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं और 20 लोग स्पेनिश बोल रहे हैं, तो इसको मैंने मान लिया एन स्पेनिश कितना मान लिया 20 मान लिया, और 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, जो आपके 10 है वो स्पेनिश और फ्रेंच दोनों बोल पा रहे हैं। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, बताना है कि आपका फ्रेंच और ये क्या होगा, आपको ये बताना है। तो हमने क्या मान लिया, बाकी दो सब चीज हमने इसमें दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, आपको निकालना है क्या एन एफ यूनियन एस निकालना है। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं आपका एन एफ प्लस एन एस प्लस एन एफ इंटरसेक्शन एस आ गया, तो कितना आ गया आपका 50 प्लस 20 माइनस 10, ठीक है, तो कितना आ गया आपका 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो यानी कि 60 लोग ऐसे होंगे जो दोनों में से एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे द 60 पीपल इन कमेटी स्पीक्स एटलीस्ट वन लैंग्वेज, है ना, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज पूरी खत्म कर ली है, बहुत इजी एक्सरसाइज थी और मैंने थोड़ी सी कोशिश की, आप समझ सकते हो इजी एक्सरसाइज होने की वजह से मैंने कोशिश की इसको थोड़ा सा जल्दी करने की, ठीक है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी कंटेंट लग रहा है कि भाई सर इसमें आपको थोड़ा सा और ज्यादा फोकस करना चाहिए था या ज्यादा और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था, सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू लेट मी नो, ठीक है। वंस अगेन बच्चों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय फॉर नाउ।